शक्ति उत्पन्न होती हुई दिखाई दी तो कमेंट कर देना। और करीब इस तरीके से महीनों कर देखो सर, एक ऐसी शक्ति आपके साथ रहना शुरू कर देगी। भगवान हैं क्या ये आपकी आवाज़ सुन सकते हैं? हम कोई से भी धर्म को मानते हों, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च सिक्स और आज बात करेंगे कि क्या आपकी आवाज़ भगवान तक जा सकती है या आपकी दिल की आवाज़ जो है भगवान तक पहुंच सकती है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। देखो, ये जो आवाज़ होती है, वाणी होती है, जब हम किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं, चाहे वो फ़ोन पर बुलाएं, चाहे आवाज़ देकर बुलाएं, तो वो जो जीवित व्यक्ति है या कोई जानवर है या पक्षी है, वो उस आवाज़ के थ्रू आपकी तरफ देखेगा ज़रूर। तो ये वाणी होती है, इसके अंदर अपनी लैंग्वेज, जो हमारी भाषा, बोलने के तरीके, किसी व्यक्ति के दिल को ना दुखाने के तरीके, किसी को अच्छा समझने के तरीके, किसी को अच्छा समझाने के तरीके, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये अपनी वाणी से होती है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी ने किसी को कोई गाली दे रहा है, कोई आपस में लड़ाई कर रहा है, कोई किसी गरीब को परेशान कर रहा है, कोई किसी रिक्शे वाले को 10-10, 5-5 रुपए में लड़ते हुए भेसबाजी कर रहा है, कोई किसी गरीब को दबाया ही जा रहा है। तो ध्यान रखना, इस आदत से, इस लैंग्वेज से उस व्यक्ति का कभी भी भला नहीं हो सकता जो किसी गरीब को परेशान करता हो। तो ये वाणी होती है, इसको अपनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए हमें दिल से, अंदर से एक ऐसी अपनी धारणा बनानी होगी कि प्रत्येक इंसान आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाए। अब सवाल ये होता है कि क्या भगवान हैं, क्या ये आपकी आवाज़ सुन सकते हैं? हम कोई से भी धर्म को मानते हों, लेकिन आप विश्वास करना कि जब आपके थ्रू दिल से निकली हुई आवाज़ ऊपर तक जाती है तो कहीं ना कहीं आपके वो बिगड़े काम सही हो जाते हैं। आप अपने दिल से अंदर ही अंदर कुछ अच्छा सोचेंगे तो यकीन करना वो आपके साथ अच्छा होता जाएगा। बस इसी विश्वास को हम भगवान से जुड़ती हुई बात कहते हैं। हम भगवान को पुकारना, चिल्ला चिल्ला के बोलना, इससे भगवान हमें कभी भी नहीं सुनेगा और ना कभी हमें ऐसी शक्ति से वास्ता होगा जो हमें इस आवाज़ के थ्रू मिल जाएगी। हमें मिलेगी कैसे? कि हम एक सच्चे मन से किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने भगवान को बुलाने के तरीके वो अपने अंदर ही अंदर दोहराना चाहिए। आप चाहे हनुमान को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, राधा को मानते हो, राम को मानते हो, या कोई किसी भगवान को मानता है, तो वो अगर उसका नाम अंदर अंदर एकांत में जपता रहे तो इसके जादुई तरीके से एक ऐसी लैंग्वेज का उत्पन्न होगा और वो भाषा जो आपकी अंदरूनी होगी वो निखर जाएगी और आपके सारे के सारे काम बन जाएंगे। भगवान को प्राप्त करना एक विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए अंदर की श्रद्धा को जगाना है। भारी वेशभूषा से आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए सही हो सकते हो, लेकिन अंदरूनी जो आपकी चीज़ें हैं, जब तक के वो सही नहीं होगी तो भगवान आपके लिए कभी भी उस नज़रों से आपको नहीं देखेगा जो आपकी अंतर आत्मा होती है। तो सबसे पहले प्रण बनाइए कि अपनी बोलने की लैंग्वेज को, किसी के प्रति समझने की चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा सुधारना है और सबके लिए दया का भाव रखना है और हमें कभी भी किसी गरीब को, किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करना है। और अगर आपको इन चीज़ों से एक शक्ति उत्पन्न होती हुई दिखाई दी तो कमेंट कर देना। और करीब इस तरीके से महीनों कर देखो सर, एक ऐसी शक्ति आपके साथ रहना शुरू कर देगी जो आपको हर चीज़ों के लिए बताएगी कि आप क्या कर सकते हैं। ये आपकी अंदर की आवाज़ होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं भगवान से मिलने की एक परिकल्पना है जो आपको एक अच्छे इंसान के थ्रू मिल जाएगी और जब आप वो मिल जाएगी तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपने देखा होगा कि पैसे वाले इंसान भी परेशान है, देख लेना आप।
जिस पे ज़्यादा पैसा होगा ना वो भी कुछ ना कुछ उस पे प्रॉब्लम होगी। तो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अंतरात्मा को सही करना, क्योंकि इस दुनिया में सबको एक दिन मरना है, ये आपको समझना है। और जब आप ये चीज़ें समझोगे तो किसी के प्रति आपके अंदर द्वेष भावना कभी नहीं रहनेगी। और अब से जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लोगों के बारे में देखना शुरू कर रहा हूँ, उनकी न्यूमरोलॉजी के द्वारा, उनके नंबरों के द्वारा, उनके डेट ऑफ बर्थ के द्वारा, उनके चेहरे के द्वारा, उनकी फ़ोटो के द्वारा, उनकी आवाज़ के द्वारा, मैं उनके बारे में बीते हुए चीज़ें और आने वाली चीज़ें उनके बारे में देख रहा हूँ। इसके लिए मैंने शुरुआत कर दी है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने बहुत थोड़ी सी ऐसी एक दक्षिणा रखी है जिससे कोई भी उसे दे सकता है, और वो सिर्फ भगवान के नाम का होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए दिल से प्रेरणा लेते हैं, दिल से समझते हैं, तो वो आपको यकीनन मिलेगी। तो आज की एक टॉपिक था भाषा वाणी, और ये दो प्रकार से मैंने आपको बताई है कि बोलकर तो आप किसी जानवर, इंसान, पक्षी को बुला सकते हो, लेकिन अगर आपको भगवान को मानना है, सुनना है, समझना है, तो वो आपके अंदरूनी होने चाहिए, दिखावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।